दोस्तों संडे को हिंदी में रविवार कहते हैं और जैसे सन का मतलब सूरज होता है वैसे रवि का भी। ऐसे ही मंडे को हिंदी में सोमवार कहते हैं और जैसे मून का मतलब चांद होता है वैसे सोम का भी। अब ये कोई संयोग मात्र या फिर किसी एक ने दूसरे की कॉपी की है? दोस्तों सप्ताह के 7 दिन दुनिया की सारी ही सभ्यताओं में सोलर सिस्टम के 7 सेलेस्टियल बॉडीज के नाम पर है। मून, मार्स, मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न एंड सन। पर हर सभ्यता में इन 7 दिनों के नाम 7 प्लैनेट्स पर होने और इनके प्रॉपर सीक्वेंस का रीजन हिंदू सभ्यता के अलावा और कोई सभ्यता नहीं दे पाई है। 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई आर्यभट्टी के काल क्रिया पदखंड 16वां श्लोक हमें इसका विस्तृत विवरण देता है। हिंदू एस्ट्रोनॉमी में ग्रह प्लैनेट से अलग होते हैं। ग्रह वो बॉडीज होती है जो ग्रहण लगा सकती है, मतलब कि सूरज और पृथ्वी के सीध में आ सकती है, जिसमें चंद्रमा भी आता है। आर्यभट्ट ने बताया कि अगर ये 7 ग्रह अपनी ऑर्बिटल स्पीड के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाए तो ये आने वाले हर अगले मुहूर्त यानी हर अगले घंटे को गवर्न करते हैं। अगर दिन का पहला घंटा शनि को दे तो क्रम के हिसाब से 25वां यानी दूसरे दिन का पहला घंटा सूर्य को जाता है, इसीलिए शनिवार के बाद रविवार आता है और ऐसे ही आगे के दिन बने। दोस्तों एस्ट्रोनॉमी पर और भी अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमें